हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं हैंडल इंस्टॉलेशन और विंडोज़ की वाटरप्रूफिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद आ चुका होगा कि हमने 5 mm का फिक्स ग्लेजिंग ग्लास कैसे इंस्टॉल किया था और स्लाइडिंग विंडोज़ कैसे लगाई थी। और आज आप देखने वाले हैं ये स्लाइडिंग विंडोज़ में हैंडल कैसे लगाया जाता है। ये हैंडल हम फिक्स करेंगे विंडोज़ पे। ये ऑटो लॉक हैंडल होता है। इसका होल पीछे से जो कंपनी से आता है वो थोड़ा छोटा ही होता है। हम इसको 8-19 के स्क्रू लगाने के लिए इसमें हम 150 के बिट के साथ इसको होल को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। और इसका जो क्लिप आप ये देख रहे हैं, ये जिसमें लॉक होना है उस क्लिप में होल नहीं होते हैं, इसको होल को हमें खुद करना पड़ता है। तो ये होल होने के बाद हमने विंडो पे अब निशान लगा लिया है। जो भी साइज आपने जिस हैंडल का लेंथ हाइट पे रखना है हैंडल को, उस जगह पे हैंडल का मार्क कर लेंगे और वहाँ पे हम 8-19 के स्क्रू के साथ इसको टाइट कर देंगे। ये ऑटो लॉक होते हैं, इसको पीछे से प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा, ऑटो लॉक आपका हो जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी विंडो पे भी उसके निशान ले लेंगे जिस लेवल पे हमने विंडो का हैंडल लगाना है। दोनों हैंडल को सेम हाइट पे रखें और ये निशान लगाने के बाद एक ट्रैक के साथ हमने दूसरा निशान हाइट में लगा देना है वर्टिकली। इस निशान से लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि हैंडल कितना ट्रैक के अंदर जाएगा और कितना बाहर रहेगा। और निशान के ऊपर जो रखा है हमने हैंडल का होल, ठीक उसी जगह पे स्क्रू लगा देना, उसमें नीचे भी टाइट कर देना है और ऊपर से दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। स्क्रू लग गया है, अब आपकी ये विंडो स्लाइडिंग तैयार हो गई है और ये ऑटो लॉक हो जाएंगे हैंडल और इसके दोनों पूरी तरीके से। अब हमारी बालकनी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देखेंगे वाटरप्रूफिंग। अब हमने ये सिलिकॉन है या 789 कंपनी की आती है ये, उसकी आप सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं या आपके पास जो सिलिकॉन हो उसी सिलिकॉन से आप इसको फिल कर सकते हैं। सिलिकॉन अच्छी क्वालिटी की लगाएं, नहीं तो ये कुछ टाइम के बाद अपने आप रबड़ की तरह उठ के खुद निकल जाती है, खुद ही फूलने लगती है। और जहाँ पे भी आपकी बालकनी में गैप्स हों ज़्यादा, वहाँ आप सिलिकॉन ज़रूर करें ताकि पानी बाहर से अंदर ना आ सके। दीवारों पे पानी, बरसात का पानी रिसके दीवारों पे रहता है तो वो अंदर कहीं ना कहीं से अपने आप रास्ता ढूंढ ही लेता है पानी। तो इस वजह से सिलिकॉन अच्छे से टाइट करें वर्टिकली, हाइट में, चौड़ाई में, जहाँ पे भी आपको लगता है कि पानी यहाँ से अंदर आ सकता है वहाँ पर सब जगह सिलिकॉन कर दें। पूरी तरीके से सिलिकॉन होने के बाद फ्रेंड्स, अब ये हमारी बालकनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी इंस्टॉलेशन सब कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल फिनिशिंग वर्क भी हो चुका है। बालकनी तैयार होने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। और इसमें जो ग्लास यूज़ किए गए हैं वो 5 mm के और 4 mm के रिफ्लेक्टिव ग्लास है, इसको एंटी लुक भी कहा जाता है ग्लास को। और विंडोज़ काफ़ी अच्छी स्लाइड हो रही है, बहुत स्मूथली क्लोज हो रही हैं और ओपन हो रही हैं और काम भी काफ़ी अच्छा किया है। लड़कों ने भी काफ़ी मेहनत की है यहाँ पे काम करने में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्लाइंट को भी ये बालकनीज काफ़ी पसंद आई हैं। और कस्टमर सेटिस्फाई ना हो तो सारी आपकी मेहनत व्यर्थ है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल को इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और न्यू अपडेट को पाने के लिए बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह की फ्रेंड्स, मैंने एक और हमने बालकनी बनाई है, वो इसी फ्लैट की दूसरी बालकनी है। उसमें भी हमने एल्युमिनियम का 3-ट्रैक का स्लाइडिंग का काम किया है। और जो लोग उस बालकनी को भी देखना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। उस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बिकॉज ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो राउंड कर्व में बनी हुई बालकनी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।